हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। और आज की ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप लोगों के इन्वायरमेंटल बायोटेक का ही यूनिट वन का जो है टॉपिक टू के अंतर्गत आता है। टॉपिक टू में आप लोगों का इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन भी है, जिसको हम पहले भी छोटा सा एक डिस्कशन कर चुके हैं। बाकी उसमें सिर्फ टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट टू मच। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग बायोटेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, बायोटेक्नोलॉजिकल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सा तरीका अपना सकते हैं इसे कम करने का, इसे मॉनिटर करने का, इसे मेजर करने का। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका। एक तरीके तो हम जान गए कि पहले हम तरीके देखेंगे मॉनिटर करने का, नापने का, मेजर करने का। उसके बाद हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के तरीके देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बायो एसेज इन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। बायो एसेज इन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। इन द अर्ली इयर्स द कन्वेंशनल फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स वर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है किसी भी चीज का, तो चीजें और एडवांस होते जाती हैं। पहले जो है, आज की डेट में अगर आप नोटिस करें तो आज हम लैपटॉप चलाते हैं, लैपटॉप से हम टैब में आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले जो एकदम से स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर, तो बहुत बड़ा सा कंप्यूटर, उसके पास सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सब चीजें अलग अलग रहती थी। लेकिन आज जो है उसका इतना एडवांस रूप आ गया है कि हम कंप्यूटर्स देख रहे हैं, कंप्यूटर जो है एकदम स्लिम कंप्यूटर्स देख रहे हैं, डेस्कटॉप देख रहे हैं स्लिम वाला, लैपटॉप पे आ गए हैं, टैब में आ गए हैं, और मोबाइल जो है उसमें सब काम होते हैं जो लैपटॉप कर सकता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये चीजें डेवलप्ड होती हैं। तो वैसे ही अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग की अगर बात करूं, तो उसमें अगर बायो एसेज इन इन्वायरमेंटल बायो मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंट के पर्यावरण के बायो मॉनिटरिंग के लिए जो बायो एसेस किए जाते हैं, जो बायोलॉजिकल परीक्षण किए जाते हैं, एसेस मतलब परीक्षण। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेस किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं, वो पहले के जमाने में बहुत बेसिक वाले यूज किए जाते थे, ज्यादा एडवांस नहीं होते थे। केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड जो कन्वेंशनल मेथड होते थे वो यूज किए जाते थे। ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को हम डिटेक्ट कर सके, पता लगा सके कि कहाँ पर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो है कितना अब अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर पॉल्यूशन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ पर पॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी कम है। तो डिटेक्शन और मेजरमेंट जो है पहले कन्वेंशनल मेथड होता था, जो फिजिकल और केमिकल मेथड यूज करके करते थे। ठीक है, आज के डेट में जो है फिजिकल और केमिकल मेथड छोड़कर बायो एसेज में ज्यादा जो है लोग अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ताकि हम बायोलॉजिकल वे में परीक्षण करके पॉल्यूशन को मॉनिटर कर सके, पॉल्यूशन को डिटेक्ट कर सके और पॉल्यूशन को नाप सके। तो बायो एसेज किया जा रहा है, मतलब बायोलॉजिकल परीक्षण किए जा रहे हैं। ठीक है, बायो एसेज आर प्रिफर्ड दीज डेज सिंस द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज दैट रिफ्लेक्ट द डैमेज टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेरी क्रूशियल फॉर द एक्चुअल असेसमेंट ऑफ पॉल्यूशन। अब पहले जो आप लोगों के फिजिकल मेथड होते थे और आप लोगों का जो केमिकल मेथड होता था, वो मेथड अच्छा तो था, लेकिन ये पुराने मेथड थे, और पुराने मेथड होने के साथ साथ क्या होता था कि ये जब मेथड अप्लाई किया जाता था तो ऑर्गेनिजम्स को, जीवों को नुकसान भी पहुंचता था। केमिकल यूज करके अगर आप किसी चीज को पता कर रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ऑलरेडी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव हैं, उनको कौन जो है नुकसान पहुंचा रहा है, जो आपका पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो ऑलरेडी आपका क्या पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। अब इसी को डिटेक्ट करने के लिए, इसी पॉल्यूशन का पता लगाने के लिए हम फिर से फिजिकल केमिकल मेथड जो अप्लाई कर रहे हैं उससे भी थोड़ा डैमेज हो सकता है। तो इसलिए अब जो पॉल्यूशन है वो अल्टीमेटली किसको फर्क पहुंचा रहा है, ऑर्गेनिजम्स को। तो ऑर्गेनिजम्स को, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को, मतलब जो जीवित जंतु हैं, जो आपके जो लिविंग बींग्स हैं, उनको जो है नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्यों ना इसी बायोलॉजिकल
एसेस को यूज किया जाए, बायोलॉजिकल परीक्षण किया जाए, ताकि ये भी पता चले कि उस ऑर्गेनिज्म को कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बायोलॉजिकल वे में, और पॉल्यूशन भी डिटेक्ट हो सके, पॉल्यूशन को भी हम मॉनिटर कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इसलिए बायोलॉजिकल एसेस को यूज किया जाने लगा या फिर बायो एसेस को प्रिफर किया जाने लगा, ताकि एक्चुअल एसेसमेंट हो सके पॉल्यूशन का, एक्चुअल में पॉल्यूशन का लेवल क्या है, पॉल्यूशन कहाँ पर है, कितनी फ्रीक्वेंसी में है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, वो सब चीजें एक्चुअल में एसेस हो सके, उसका इवेल्युएशन हो सके, उसका जो जांच पड़ताल की जा सके, इसलिए जो है बायो एसेस को यूज किया जाने लगा इन्वायरमेंटल बायो मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, तो अभी तक के जो हम लोग देख रहे थे वो जो है हम लोग सिर्फ एक बेसिक जान रहे थे कि क्या क्या क्राइटेरियाज है बायो मॉनिटरिंग के, अब हम लोग बायो एसेस में आ गए हैं। द ऑर्गेनिजम्स एम्प्लॉयड इन द बायो एसेस फॉर पॉल्यूशन डिटेक्शन आर एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कुछ कुछ क्राइटेरियाज है, अगर आप किसी जीव को या किसी ऑर्गेनिज्म को, अगर मैं बोलूं, हिंदी वर्ड में यूज नहीं करती है मैं, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म ही बोलती हूँ, सब लोगों को फ्रैंक है क्योंकि आप एमएससी के स्टूडेंट है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एज अ बायो एसे यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग करने के लिए, तो कुछ क्राइटेरियाज है जिसमें ये ऑर्गेनिज्म जो है फिट बैठना चाहिए। अब आप देखिए, जो मैंने आप लोगों को जीनोटॉक्सिक मेथड या फिर विजुअल रेटिंग में जो पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था कि कुछ प्रजाति मछलियों को यूज किया जाता है बायो मॉनिटरिंग के लिए, उसमें क्या करते हैं, कुछ प्रजाति की जो मछलियां स्पेशली देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में इतने गंदे पानी में, इतने मैले पानी में नहीं रह सकते, तो उससे पानी का पॉल्यूशन का लेवल पता चलता है। लेकिन उस मछली को ही यूज करेंगे हम बायो एसे के रूप में, या उस मछली के द्वारा ही हम मॉनिटरिंग करेंगे, इसके लिए उस मछली को सेलेक्ट करने के पहले, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करने से पहले कुछ क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसमें वो जो ऑर्गेनिज्म है वो फिट बैठना चाहिए कि हाँ आप इसी को यूज करेंगे एज अ बायो एसे, बायो एसे के रूप में हम इस ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे, इसके लिए उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जब स्पोर्ट्स में जाते हैं तो स्पोर्ट्स में जाने से पहले आप लोग का सिलेक्शन होता है, पहले मैच खिला के देखते हैं, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। उसी प्रकार एक क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया रहते हैं, ये अच्छा दौड़ता है कि नहीं, अगर आप कबड्डी खेल रहे हैं तो अच्छा स्पीड है कि नहीं, अच्छी ताकत है कि नहीं, सामने वाले को अच्छे से हरा सकता है कि नहीं, ये क्राइटेरियाज रहते हैं ना सिलेक्शन के। वैसे ही कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं जिसमें जिसके बेसिस पे उस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट किया जाता है, किस चीज के लिए सेलेक्ट किया जाता है, आपके बायो एसेस के रूप में बायो मॉनिटरिंग के लिए यूज करने के लिए। ठीक है, तो वो कुछ जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो है ये कि इट शुड रेडिली टेक अप द पॉल्यूटेंट। ठीक है, ये जो आपका ऑर्गेनिज्म है इसका, इसको सेलेक्ट करने का जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जो पॉल्यूटेंट को, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट वो होते हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हो रहा है तो वो पॉल्यूटेंट कहलाएंगे। पॉल्यूटेंट वो चीजें होती हैं जिनकी वजह से, वो सब्सटेंस या फिर वो कंपाउंड जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, उन्हें हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसके में इतनी सक्षमता होनी चाहिए, इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आपका जो पॉल्यूटेंट है उसे वो आसानी से ले ले, उसे वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, मतलब वो सहन कर पा रहा है कि नहीं उस पॉल्यूशन को, उस पॉल्यूटेंट को रेडिली टेक अप कर ले उसे, चाहे वो एड्सॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, तो ये रेडिली जो है टेक अप द पॉल्यूटेंट, ये पहला क्राइटेरिया कि वो पॉल्यूटेंट को आसानी से ले सके, टेकअप कर सके। दूसरा क्राइटेरिया ये है, द ऑर्गेनिज्म शुड बी सेंसिटिव टू द पॉल्यूटेंट। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड ही दूसरा चीज ये है कि पहली तरफ तो हम चाह रहे हैं कि वो टेकअप कर ले, पकड़ सके उस पॉल्यूटेंट को, समझ सके, है ना, मतलब ले पा रहा है कि नहीं, और दूसरा चीज इस पॉल्यूटेंट के लिए आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव होने से क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है,
इसको लेकर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए एक मछली ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रही है, सहन नहीं कर पा रही है, या फिर टेकअप तो कर लेती है उस पॉल्यूटेंट को, लेकिन उसके लिए सेंसिटिव है वो, उसके लिए सेंसिटिव है। उसके बाद उसके बॉडी में या तो कुछ चेंजेस होने लगेंगे, बहुत सेंसिटिव है। जैसे कई आप लोग को बहुत चीजों को लेकर आप लोग भी सेंसिटिव रहते होंगे, किसी को किसी खाने से एलर्जी है, किसी का पेट बहुत सेंसिटिव होता है, पेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है, किसी को बैगन से एलर्जी है, किसी को किसी पर्टिकुलर आपके जो कॉस्मेटिक्स हैं, कॉस्मेटिक्स को लेकर सेंसिटिव होते हैं लोग, कॉस्मेटिक्स जो है सूट नहीं करते हैं उन लोगों को। तो सेंसिटिव होना चाहिए वो ऑर्गेनिज्म जो है, पहला तो ये कि वो ऑर्गेनिज्म उस पॉल्यूटेंट को इजिली टेकअप कर सके, दूसरा वो जो ऑर्गेनिज्म है उस सेंसिटिव रहे उस पॉल्यूटेंट को लेकर, ठीक है, उस पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट को लेकर सेंसिटिव रहे। तो ये एक चीज थी। दूसरा क्राइटेरिया, नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं, इट शुड पोजेस मेजरेबल फीचर्स टू डिटेक्ट पॉल्यूशन। अब यहां पर आपके ऑर्गेनिज्म के पास जो है आपका मेजरेबल फीचर्स होने चाहिए, ताकि मेजरेबल फीचर्स का मतलब ये है कुछ ऐसा होना चाहिए आपके ऑर्गेनिज्म में जिसे आप ले रहे हैं, आपके ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके जरिए हम आपके पॉल्यूशन का जो है, जिस जो पॉल्यूशन है या फिर जो पॉल्यूटेंट है उसका मेजरमेंट कर सके। मतलब मान लीजिए कि जो अभी जस्ट एग्जांपल दिया, जो CO2 है, CO2 को लेकर एक जो मछली है वो सेंसिटिव है, वो क्या करे, जैसे इसके कांटेक्ट में आती है उसे टेकअप तो कर ले रही है लेकिन सेंसिटिव है। सेंसिटिव किस मामले में है कि कुछ टाइम बाद जो है मछली का अगर मान लीजिए रंग अलग हो जाता है, या मछली जो है बहुत फैटी हो जाती है बहुत ज्यादा, और उसके कुछ टाइम बाद जो मर जाती, तो एक कोई एक मेजरमेंट का फीचर होना चाहिए, एक कोई फीचर होना चाहिए, या तो उसके रंग में चेंज होना, या तो फिर उसे सांस लेने में तकलीफ होना, या तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज होना, या तो उसका बीमार होके मर जाना, जो भी एक कुछ एक तो चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से उसे मेजर किया जा सके। किसे मेजर किया जा सके? पॉल्यूशन को, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है मेजरेबल फीचर जो है वो होना चाहिए ताकि पॉल्यूशन को डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं मुझे यूज कर रहे हैं एज ए ऑर्गेनिज्म बायो एसे के रूप में, जिससे क्या है पॉल्यूशन को डिटेक्ट किया जा सके। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मैं जो काला धुआं निकलता है जो व्हीकल से, उसको लेकर मैं बहुत सेंसिटिव हूं। अगर मैं उसके कांटेक्ट में आती हूं तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, मेरे अगर नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक फीचर है कि अगर बाहर के एनवायरमेंट में मेरे नाक से खून निकल रहा है तो वो एक मेजरिंग फीचर है जिसके जरिए पॉल्यूशन को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक कुछ खास चीज होनी चाहिए कि उसका खास कुछ असर होना चाहिए कि इससे इसको ये ऐसा होता है। जैसे कि कई लोगों को बैगन खाने से आपका ईचिंग होता है, जैसे मुझे है, मुझे एलर्जी है बैगन खाने से, मुझे एलर्जी होती है इसलिए मैं बैगन नहीं खाती हूँ, ब्रिंजल नहीं खाती मैं, ठीक है। तो वो कुछ एक चीज होनी चाहिए जो उसमें स्पेशल हो जिससे उस पॉल्यूशन को हम डिटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं, क्राइटेरिया नंबर 4, द ऑर्गेनिज्म शुड हैव वाइड अकरेंस एंड अवेलेबल राउंड द ईयर। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये इसका जो अकरेंस है, जो ये हम हर कहां कहां पर पाया जा रहा है, इजिली अवेलेबल हो, ये जो ऑर्गेनिज्म है हर जगह हर समय हर साल ये अवेलेबिलिटी हो। कई बार अगर आप फूल के ऊपर कोई कर रहे हैं, किसी प्लांट के ऊपर कर रहे हैं, तो अगर आपने सोचा कि मैं बटन गुलाब के ऊपर हम बायो एसे के रूप में यूज करेंगे और उससे डिटेक्ट करेंगे कि पोल्यूशन कितना होता है, तो बटन गुलाब तो सिर्फ विंटर्स के टाइम में आते हैं, बाकी टाइम आप कैसे करेंगे डिटेक्ट। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि पर्टिकुलर कौन सा ऐसा टाइम है, एट दैट टाइम वो जो है अवेलेबिलिटी उसी टाइम में शो ना हो, वो हर समय पूरे साल जो है थ्रू आउट द ईयर वो अवेलेबल हो, ठीक है। जैसे कि गेंदे का फूल है, आज का जो हाइब्रिड वाला गेंदे का फूल आता है वो साल भर मिलता है, तो क्यों ना आप उसको चूज करें, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। तो आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो वाइड अकरेंस होना चाहिए, मोस्टली हर जगह वो पाया जाना चाहिए, और वो जो है थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होना चाहिए, राउंड द ईयर जो है अवेलेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, द बायोएसे शुड बी सिंपल रिप्रोड्यूसिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज रिसर्च करना अपने आप में बहुत महंगी चीज है,
इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी. देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको डिसाइड करना है कि मैं ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करूं जो मुझे इजिली एक तो अवेलेबल हो जाए, ठीक है, और सिंपल हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला ऑर्गेनिज्म मत हो, ठीक है. या फिर और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि वो सस्ते में मिल जाए मुझे, बहुत ज्यादा महंगा मत हो. क्योंकि अगर आपको क्या करना है, जैसे कि कई लोग रिसर्च करते हैं अपने चूहों के ऊपर रिसर्च करें, तो चूहे आप कहाँ से लाओगे, पकड़ोगे क्या, चूहे खरीद के ला रहे हो आप, चूहे बहुत महंगा मिल रहा है, तो फिर रैट्स बहुत महंगे मिल रहे, तो रैट्स बहुत महंगे मिल रहे थे, तो आपका तो बहुत कॉस्ट लग रहा है ना रिसर्च में. इसलिए क्या करना चाहिए कि आपका जो रिसर्च है, आप जो बायो ऐसे कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, उसके लिए आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए. ठीक है, ये एक हुआ. उसके बाद जो हाँ, इतने ही आपके क्राइटेरियाज हैं जो आपके यूजुअली ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं. ये क्राइटेरिया, एक तो पॉल्यूटेंट को टेकअप करे, दूसरा वो पॉल्यूटेंट को लेकर सेंसिटिव रहे, तीसरा वो उसको उसमें जो है ऐसा कुछ होना चाहिए, एबिलिटी, एक ऐसा कुछ फीचर होना चाहिए जो मेजरिंग के लिए यूज किया जा सके, चौथा उसका जो अवेलेबिलिटी है, हर साल अवेलेबिलिटी उसकी मिले, साल भर उसकी अवेलेबिलिटी रहे, उस हर जगह पाया जाने वाला चीज हो, ये वो सिंपल रहे, रिप्रोड्यूसिबल रहे, और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव रहे. ये कुछ क्राइटेरियाज थे. अब आप जो अगर बात किए जाए तो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स को यूज किया जाता है. सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स में भी अगर बात करूं तो प्लांट्स को, पौधों को सबसे पहले लिया जाता है. किस चीज के लिए, आपके टेस्ट के लिए, बायोएसे टेस्टिंग के लिए, ठीक है. द बायोएसेज आर ब्रीफ, बायोएसेज अब करेंगे कैसे, अब उसको देखते हैं. अब हमने देख लिया कि ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करने के लिए पहले करते क्या है. अब हम देखेंगे कि अब बायोएसेज अगर कर रहे हैं तो कैसे होगा, अगर हम प्लांट में कर रहे हैं तो कैसे होगा, और अगर एनिमल्स के साथ कर रहे हैं तो कैसे होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. ओके, प्लांट टेस्ट सिस्टम्स इन बायोएसेस. हम लोग पहले देखेंगे प्लांट टेस्ट कैसे होता है. अगर बायोएसे अगर आप कर रहे हैं प्लांट टेस्टिंग के थ्रू, अगर किसी आपने पौधे को लिया है अपने बायोएसे के लिए, बायोएसे के रूप में परीक्षण करने के लिए, पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए, पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए, तो वो कैसे होगा उसे हम देखते हैं. प्लांट टेस्ट सिस्टम इन बायोएसे, तो सर्टेन एल्गी, बैक्टीरिया, लाइकेंस, मॉसेस एंड वेस्कुलर मैक्रोफाइट्स आर कॉमनली यूज्ड इन बायोएसे. अगर बायोएसेस की बात की जाए तो आपके जो लाइकेंस होते हैं, मॉस होता है, बैक्टीरियाज होते हैं कुछ जो आपके उसमें प्लांट कैटेगरी में आएंगे, आपके जो एल्गी हैं वो आपके यूज किए जाते हैं. एल्गीज मतलब आप जानते हैं अच्छे से, जो शैवाल होते हैं उन्हें बोलते हैं. तो ये सभी चीजों को, इन सभी चीजों को प्लांट टेस्ट सिस्टम्स में यूज किया जाता है. अगर हम लोग एल्गी को यूज कर रहे हैं तो कैसे होगा देखते हैं. एल्गल बायो ऐसे हम लोग पहले देखते हैं. एल्गल बायो ऐसे Among the plant system, algal bioassays are the most commonly used. अब bioassays करने के लिए सबसे commonly जो plant में use किया जाता है वो शैवालों को use किया जाता है, algaes को use किया जाता है algal bioassays के लिए. अब शैवालों को क्यों use किया जाता है, क्योंकि हर जगह available है, जहां पानी जहां मॉइस्चर मिला ये आराम से उग जाते हैं, साल भर available है, कोई problem भी नहीं है, बहुत simple भी है, reproducible है और cost effective भी है. तो आपके criteria में एकदम fit बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है.
बताइए ना, तो आपको ज्यादा महंगी चीज लग रही है, नहीं ना तो वो महंगी चीज है, रिप्रोड्यूसिबल भी है, साथ में आपका जो क्राइटेरिया में आपका पॉल्यूशन जितना भी हो लेकिन वो टेकअप कर लेता है, भले उसका कुछ असर दिखता होगा उस पर लेकिन टेकअप तो करता है चीजों को, तो आपके क्राइटेरिया में फिट बैठने वाला जो प्लांट्स में सबसे नंबर वन पे फिट बैठता है आपका एल्गी, शैवाल, तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग द एल्गीज, ठीक है। तो इसको सबसे ज्यादा सबसे कॉमनली यूज किया जाता है, एल्गी आर कंसिडर टू बी रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन, इसे कंसिडर किया जाता है कि ये सबसे रिलायबल इंडिकेटर्स होते हैं पॉल्यूशन के, ड्यू टू देयर हाई सेंसिटिव एंड इजी अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होते हैं और साथ ही साथ इजीली जो है अवेलेबल होते हैं, हर साल पूरे साल भर जो है ये अवेलेबल रहेंगे, ये सेंसिटिव तो रहते ही है, कई बार इनके में कलर चेंजेस होने लगते हैं, ये ड्राई होने लगते हैं, या तो फिर इनका सेंसिटिवनेस भी होता है बहुत ज्यादा, हाईली सेंसिटिव भी होते हैं ये, हाई सेंसिटिव। और बिसाइड सिंपल कल्चरिंग टेक्निक, और इन्हें कल्चर करने की जो टेक्निक है, ठीक है, कल्चर करने की जो टेक्निक है इनकी, ये बहुत सिंपल कल्चर टेक्निक होती है, सिंपल कल्चर टेक्निक, ठीक है। तो ये एक सिंपल कल्चर टेक्निक हुई, और दूसरी उसके बाद आपका हुआ द क्राइटेरिया अडॉप्टेड फॉर एल्गल बायोसिस आर द ग्रोथ रेट, बायोमास एक्युमुलेशन एंड फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। अब हम क्या तरीके से हम जानेंगे कि ये जो एल्गी है, एल्गी को या शैवाल को किस तरीके से हम यूज करके पॉल्यूशन का मॉनिटरिंग करेंगे, तो हम एक तो देखेंगे इसका ग्रोथ, कि पॉल्यूशन से क्या इसके ग्रोथ पे फर्क पड़ रहा है, ठीक। दूसरा हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी,